अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश फॉर क्लास फोर। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 18। पेज नंबर 18, फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेंशन डेट सी डब्ल्यू एंड डे। यूनिट 3 लेसन 4, टॉपिक ऑफ लेसन 4 इज सेंटेंसेस। हियर वी हैव अ स्टडी कॉर्नर, अफेक्ट एन ओपिनियन। अफेक्ट, पैंथर्स आर बिग ब्लैक कैट्स। पैंथर्स जो हैं वो बड़ी काली बिल्लियाँ होती हैं, ये एक फैक्ट है। एन ओपिनियन, पैंथर्स आर ब्यूटीफुल, पैंथर्स खूबसूरत होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फैक्ट एंड एन ओपिनियन। फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, नो वन कैन डिनाई इट। मीन्स फैक्ट एक ऐसी बात होती है जिसको पूरी दुनिया में सच माना जाता है और कोई भी इससे इनकार नहीं करता है, सब इस बात पर एग्री करते हैं। ओपिनियन क्या होती है? ओपिनियन एक पर्सन के अपने पर्सनल व्यूज़ होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में। एक पर्सन की ओपिनियन दूसरे पर्सन की ओपिनियन से डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सब उस बात पर एग्री करते हैं। लाइक ये देखें, अ फैक्ट, पैंथर्स आर बिग ब्लैक कैट्स। पैंथर्स बड़ी काली बिल्लियाँ हैं, ये एक फैक्ट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एन ओपिनियन, पैंथर्स आर ब्यूटीफुल, पैंथर्स खूबसूरत होते हैं, ये एक पर्सन की ओपिनियन है। हो सकता है मुझे या आपको पैंथर्स ब्यूटीफुल ना लगें। एक पर्सन की ओपिनियन दूसरे पर्सन की ओपिनियन से डिफरेंट हो सकती है। सायरा हैज़ लुक्ड अप द वर्ड पैंथर्स ऑन द इंटरनेट। लुक्ड अप मीन्स टू गेट इंफॉर्मेशन, मालूमात हासिल करना। सायरा ने वर्ड पैंथर्स के बारे में इंटरनेट से इंफॉर्मेशन हासिल की है। नाउ शी इज़ गिविंग अ प्रेजेंटेशन टू हर क्लास। अब वो अपनी क्लास को प्रेजेंटेशन दे रही है। प्रेजेंटेशन मीन्स स्पीच और टॉक इन विच अ न्यू टॉपिक इज एक्सप्लेन्ड। एक ऐसी स्पीच या टॉक जिसमें एक नए टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है, उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। लुक हियर, यहाँ पर सायरा है, अपनी क्लासरूम में है, दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं और सायरा पैंथर्स के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही है मल्टीमीडिया को यूज़ करते हुए। एक्सरसाइज 1, रीड द टेक्स्ट अबाउट पैंथर्स। राइट एफ वेयर यू थिंक द सेंटेंस इज़ अ फैक्ट। राइट ओ वेयर यू थिंक द सेंटेंस इज़ एन ओपिनियन। यहाँ पर आपको लगे कि सेंटेंस जो है वो फैक्ट है, वहाँ पर आपने एफ़ लिखना है, और जहाँ पर आपको लगे कि सेंटेंस ओपिनियन है वहाँ पर आप ओ लिखेंगे। हम इस टेस्ट की रीडिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पैंथर्स आर लार्ज वाइल्ड कैट्स लाइक लेपर्स बट दे आर ब्लैक। पैंथर्स बड़ी काली बिल्लियाँ होती हैं चीतों की तरह, लेकिन वो काली होती हैं, ये फैक्ट है। यहाँ पर एफ़ लिखा हुआ है। आई थिंक दे आर ब्यूटीफुल एनिमल्स, दिस इज़ एन ओपिनियन। यहाँ पर ओ लिखा हुआ है। दे लिव इन अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ एशिया सच एज चाइना। वो अफ्रीका में और एशिया के कुछ पार्ट्स में रहती हैं जैसे कि चाइना में। दिस इज़ अ फैक्ट, आप यहाँ पर एफ लिखेंगे। देयर आर वेरी फ्यू पैंथर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत ही कम पैंथर्स हैं, फैक्ट है ये। यहाँ पर आप एफ लिखेंगे। सो वी शुडंट हंट देम, इसलिए हमें उनका शिकार नहीं करना चाहिए। ये ओपिनियन है, आप यहाँ पर ओ लिखेंगे। पैंथर्स डोंट लिव इन बिग ग्रुप्स। पैंथर्स बड़े ग्रुप्स में नहीं रहते हैं। इट्स अ फैक्ट, आप यहाँ पर एफ लिखेंगे। दे यूजुअली लिव अलोन इन द फॉरेस्ट और जंगल। वो दरख्तों में या जंगल में अकेले रहते हैं आमतौर पर। दिस इज़ अ फैक्ट, आप यहाँ पर एफ लिखेंगे। पैंथर्स हंट स्मॉल डियर। पैंथर्स छोटे हिरनों का शिकार करते हैं। एफ, फैक्ट है ये। दे आल्सो ईट स्मॉल काउस एंड गोट्स। वो छोटी गायें और बकरियों को भी खाते हैं, ये भी फैक्ट है, आप यहाँ पर एफ लिखेंगे। एंड दे कैच वाइल्ड डॉग्स टू। और वो जंगली डॉग्स का, जंगली कुत्तों को भी पकड़ते हैं, ये भी एक फैक्ट है, आप यहाँ पर एफ लिखेंगे। समटाइम्स दे अटैक ह्यूमंस एंड ईट देम। बाज़ औक़ात वो इंसानों पर हमला करते हैं और उन्हें खाते हैं। अटैक मीन्स हमला करना। दिस इज़ अ फैक्ट, आप यहाँ पर एफ लिखेंगे। आई थिंक दे आर फ्राइटिंग। मेरे ख्याल में वो खौफनाक हैं। दिस इज़ एन ओपिनियन, आप यहाँ पर ओ लिखेंगे। फ्राइटिंग मीन्स खौफनाक। इन सम वेज पैंथर्स आर लाइक टाइगर्स। बाज़ बातों में पैंथर्स जो हैं वो टाइगर्स की तरह हैं। दे लिव अलोन, वो अकेले रहते हैं। दे हंट एट नाइट एंड दे कैन स्विम वेरी वेल। वो रात को शिकार करते हैं और वो बहुत अच्छा तैर सकते हैं, फैक्ट है ये, आप यहाँ पर एफ लिखेंगे। पैंथर्स कैन क्लाइम ट्रीज बट टाइगर्स कांट।
पैंथर्स दरख्तों पर चढ़ सकते हैं लेकिन टाइगर्स नहीं चढ़ सकते, फैक्ट है ये, एफ लिखेंगे। समटाइम्स अ पैंथर और अ लेपर्ड क्लाइम्स अ ट्री विद अ डेड एनिमल इन इट्स माउथ, बाज़ औक़ात एक पैंथर या लेपर्ड एक दरख्त पर चढ़ता है एक मुर्दा जानवर के साथ अपने मुँह में एक मुर्दा जानवर के साथ दरख्त पर चढ़ता है, इट्स अ फैक्ट, आप यहाँ पर एफ लिखेंगे। देन इट सिट्स इन द ट्री, फिर ये दरख्त में बैठता है एंड फिनिशेस इट्स मील और अपने खाने को ख़त्म करता है, फैक्ट है, यहाँ पर एफ लिखेंगे। पैंथर्स आर लकी एनिमल्स, पैंथर्स लकी जानवर होते हैं, ये उसकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। दे हंट बट नो एनिमल्स हंट देम, वो शिकार करते हैं लेकिन दूसरे जानवर उनका शिकार नहीं करते, इट्स अ फैक्ट, यहाँ पर एफ लिखेंगे। नाउ स्टडी कॉर्नर, रिपोर्टिंग अ फैक्ट, रिपोर्टिंग एन ओपिनियन, यहाँ पर हम देखेंगे कि हम फैक्ट को और ओपिनियन को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, इनके बारे में कैसे बता सकते हैं। रिपोर्टिंग अ फैक्ट, अली सेज दैट पैंथर्स आर लाइक लेपर्स, यहाँ पर देखें फैक्ट को रिपोर्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, सेज, अली सेज दैट पैंथर्स आर लाइक लेपर्स। नाउ रिपोर्टिंग एन ओपिनियन, अली थिंक्स दैट पैंथर्स आर ब्यूटीफुल, ओपिनियन के लिए क्या यूज़ हुआ, थिंग्स। नोट, डू नॉट यूज़ स्पीच मार्क्स आफ्टर दैट व्हेन यू रिपोर्ट फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, जब हम फैक्ट्स को और ओपिनियन को रिपोर्ट करते हैं तो हम दैट के बाद कोई भी स्पीच मार्क्स यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी ब्रैकेट कोमा या डॉट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं दैट के बाद जब हमने फैक्ट्स को या ओपिनियन को रिपोर्ट करना हो। एक्सरसाइज टू, वी आर स्किपिंग दिस एक्सरसाइज फॉर नाउ, दिस इज़ योर क्लास एक्टिविटी।